देख रहे हैं NMF न्यूज। 25 जनवरी को रिलीज हुई ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर फिलहाल थिएटर्स में लगी हुई है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भले ही उनकी लास्ट रिलीज पठान की तरह रिकॉर्ड तोड़ कमाई ना कर पा रही हो, लेकिन ये फिल्म कई लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरह बेहद ही शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। जहां एक तरफ फैंस को ये फिल्म पसंद आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने भी फिल्म फाइटर पर अपना बयान दिया है। फाइटर के रिलीज होते ही पाकिस्तान स्टार तिलमिला गए हैं और फिल्म को पाकिस्तानी विरोधी बता दिया है। दरअसल इस फिल्म पर पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी ने अपनी भड़ास निकाली है, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। अदनान सिद्दीकी ने इस फिल्म को फ्लॉप शो बताते हुए एजेंडा वाली फिल्म बता दिया है। एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फिल्म फाइटर के खिलाफ बौखलाहट जाहिर करते हुए लिखा, फ्लॉप शो के बाद फाइटर टीम के लिए एक सबक, अपने दर्शकों की बुद्धिमत्ता का अपमान न करें। वो एजेंडा को समझ सकते हैं, एंटरटेनमेंट को अनावश्यक राजनीति से अलग रखें। बता दें कि इससे पहले जब फाइटर का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब भी पाकिस्तान एक्टर अदनान सिद्दीकी ने अपनी भड़ास निकाली थी। एक्टर ने किसी का नाम लिए बिना एक्स पर लिखा था, एक बार प्यार के लिए माना जाने वाला बॉलीवुड अब नफरत से भरी कहानियां गढ़ता है, हमें खलनायक के रूप में चित्रित करता है। बावजूद इसके आपकी फिल्मों के लिए हमारा प्यार है, ये निराशजनक है, कला सीमाओं से परे है। आइए इसका इस्तेमाल प्रेम और शांति को बढ़ावा देने के लिए करें। राजनीति के शिकार दो देश बेहतरी के हकदार हैं। बता दें कि अदनान सिद्दीकी से पहले पाकिस्तानी एक्टर हिना आमिर ने भी फिल्म फाइटर को लेकर तंज कसा था। फाइटर के ट्रेलर पर गुस्सा निकालते हुए हिना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था कि ये जानना बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय और युग में ऐसे कलाकार हैं जो सिनेमा की ताकत से अवगत है और फिर भी आगे बढ़ते हैं और दोनों देशों के बीच दरार पैदा करते हैं। मुझे उन कलाकारों के लिए खेद है जो अपनी कला पर एक माध्यम के रूप में भरोसा करके अंतर को पाटने की कोशिश करते हैं। डिस्टेस्टफुल कला को सांस लेने दो। बता दें कि इसके अलावा पाकिस्तानी एक्टर ज़ारा नूर अब्बास ने भी ऋतिक की फिल्म फाइटर पर अपनी बौखलाहट जाहिर की। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फिल्म बट आई गेस नाउ दिस नैरेटिव कैन आओ जरा पाकिस्तान ऑक्यूपाई करने, हम भी चाय पिला पिला कर हिसाब लेंगे। वहीं पाकिस्तानी एक्टर असद सिद्दीकी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर भड़ास निकालते हुए लिखा, क्या तुम लोग वही झूठी बकवास बेचते बेचते थक नहीं गए हो? बड़े हो जाओ दोस्तों, दुनिया आगे बढ़ रही है और परिपक्व हो रही है, लेकिन आप नफरत की सस्ती कहानी को क्यों बेचना चाहते हैं? शांति को भी बढ़ावा दे सकते थे। क्या हमारे पास दुनिया में इतनी नफरत नहीं है कि आपको फिल्मों के इस वैश्विक माध्यम के माध्यम से और अधिक नफरत को बढ़ावा देना पड़े? हम सभी की जिम्मेदारी दुनिया भर में नफरत के बजाय शांति को बढ़ावा देने की है। हालांकि आप इस फिल्म के माध्यम से यहां क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तथ्यों की जांच करने के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें पूरी दुनिया जानती है? आप आए और हमने आपके MiG-21 को मार गिराया और आपके पायलट को पकड़ लिया और फिर हमने उसे एक शानदार कप चाय के साथ रिहा कर दिया। जागो तुम लोग। तो देखा आपने पाकिस्तानी स्टार्स किस कदर फिल्म फाइटर पर गुस्सा निकाल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में नफरत पैदा करने के लिए बॉलीवुड को कोस रहे हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के डायलॉग सुनकर भी पाकिस्तानी सितारों को मिर्ची लग रही है। फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें ऋतिक ने कहा है कि POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। इसके अलावा फिल्म में एक और डायलॉग है जिसमें ऋतिक ने कहा है, तुझ जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पर उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला IOP बन जाएगा, इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, जय हिंद। बता दें कि फिल्म फाइटर की कहानी पुलवामा और बालाकोट हवाई हमले पर बेस्ड है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान इस फिल्म को लेकर बवाल कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए फिल्म के एक्टर्स पर भड़ास निकाल रहा है। फिल्म में दीपिका, ऋतिक, करण सिंह ग्रोवर ने वायुसेना अधिकारी का किरदार निभाया है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है। फिल्म में जहां वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, वहीं डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म में 150 करोड़ का कारोबार कर लिया है। फिल्म ने भले ही अपना बजट निकाल लिया हो, लेकिन इससे जितनी उम्मीद की जा रही थी, फिल्म ने उसके मुताबिक कमाई नहीं की है। वैसे जिस तरह से पाकिस्तान स्टार फिल्म फाइटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उस पर क्या है आपका कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।